हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन दिस ट्यूटोरियल वीडियो। आज इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। अब ये जो प्रॉब्लम है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सिंपल हार्मोनिक मोशन दोनों से बनने वाला एक कंबाइंड एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे और सिंपल हार्मोनिक मोशन के भी कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको प्रॉब्लम समझा दूँ। हमारे पास दो चार्जेस गिवन है, प्लस क्यू, और दोनों का चार्ज प्लस क्यू के बराबर है और दोनों एक दूसरे से 2D डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, ठीक है। अब इन दोनों चार्ज के बीच में जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट से कुछ हम अभी मान लेते हैं, उसके सेंटर पे मान लेते हैं कि कोई चार्ज माइनस क्यू रखा। अब उस चार्ज माइनस क्यू को हमने उसके सेंटर से ऊपर की तरफ कुछ एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस करा, ठीक है। ओके, एक्स डिस्प्लेस एक्स ऊपर डिस्प्लेस करने के कारण यहाँ पर हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बात आती है कि हमें यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन देखने को कैसे मिलेगा, ठीक है। तो उसे समझने के लिए पहले मैं आपको और थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि हमें क्या क्या गिवन है। ये जो माइनस क्यू चार्ज है, इसका जो मास है वो स्मॉल m है, ठीक है, ये हमें गिवन है, ठीक है। और हमें एक चीज़ और गिवन है कि d जो डिस्टेंस है वो x से बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम ये समझें कि यहाँ पर ये माइनस क्यू चार्ज, इन दोनों चार्ज जिसके कारण यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों एग्जीक्यूट करेगा। तो हम इस माइनस क्यू चार्ज पे इस चार्ज क्यू के द्वारा फोर्स निकालें, ठीक है, तो वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सिमिलरली इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस माइनस क्यू चार्ज पे भी जो फोर्स होगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ओके, सो ये दोनों फोर्स हो गए जो इस चार्ज माइनस क्यू पे लग रहे होंगे इन दोनों चार्जेस के द्वारा, ठीक है। अगर हम माने कि ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये जो एंगल होगा वो भी थीटा के बराबर होगा, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है तो ये एंगल भी थीटा होगा, सो ये जो एंगल होगा वो भी थीटा के बराबर होगा। सबसे पहले हम ये वाले फोर्स की बात करें, अगर मैं इसके कंपोनेंट लूँ तो हमें यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे। एक मिलेगा हमें यहाँ पर जिसकी वैल्यू होगी एफ कॉस थीटा के, ठीक है, और एक हमें मिलेगा यहाँ पर जिसकी वैल्यू होगी एफ साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली हम इस फोर्स के भी कंपोनेंट लें तो हमें यहाँ पर मिलेगा एक कंपोनेंट इसका ये हो गया एफ कॉस थीटा, और एक और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। ओके, अभी के लिए मैं एक्स को रब कर देता हूँ। ओके, सो ये जो नीचे वाला डायरेक्शन है, यहाँ पर दो फोर्स हमारे पास आ गए, एक आ गया एफ साइन थीटा और दूसरा भी है एफ साइन थीटा, ठीक है। तो दोनों वेक्टोरिकली ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 2f sin थीटा। ओके, इसको मैं रब कर देता हूँ। नीचे की डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा वो बराबर होगा 2f sin थीटा के, ठीक है। और हम यहाँ देख सकते हैं कि f cos थीटा और f cos थीटा दोनों फोर्सेस जो हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ओके, सो नेट जो फोर्स लग रहा है इस चार्ज माइनस क्यू पे वो नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है और वो बराबर है ट्वाइस एफ साइन थीटा के, ठीक है। अब ये तो हो गई फोर्स की बात, अब हमें ये पता करना है कि यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इस फोर्स 2f साइन थीटा के कारण ये जो चार्ज है माइनस क्यू वो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ जाने के बाद वो इस पॉइंट पे पहुँचेगा, ठीक है, पर इनर्शिया के कारण वो यहाँ पर रुकेगा नहीं, वो आगे की तरफ जाएगा। सपोज़ वो यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज पहुँचने के बाद इस जो चार्ज है माइनस क्यू इसके ऊपर वापस से फोर्स लगने लग जाएगा ऊपर के डायरेक्शन में इन दोनों चार्जेस के द्वारा, ठीक है। अब इसका भी आप कंपोनेंट लेंगे तो दो ऐड हो जाएंगे और बाकी जो दो कंपोनेंट लेंगे वो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो नेट जो फोर्स लगने लग जाएगा वो वापस से ऊपर के डायरेक्शन में लगने लग जाएगा, ठीक है। अब एक ऐसा डिस्टेंस आएगा जहाँ पर ये फोर्स बराबर हो जाएंगे, ठीक है, पर क्योंकि इस पर ऊपर के डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो ये वापस से ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा, ठीक है, ठीक है। इस तरह से वो यहाँ नीचे से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर वापस से सेम फेनोम होगा कि नीचे की तरफ फोर्स लगने लग जाएगा और वो इस तरह से ऑसिलेट करने लग जाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में हमें इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है और फ्रीक्वेंसी निकालनी इस ऑसिलेशन की, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये मास m है तो इस पर एक फोर्स mg भी लग रहा होगा इस चार्ज माइनस क्यू पे नीचे की तरफ, ठीक है, पर ये mg जो फोर्स है वो हमेशा ही नीचे के डायरेक्शन में ही लगेगा, ठीक है। तो जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लगता उसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कंसिडर नहीं करते, ठीक है।
ओके सो ये जो एम जी फोर्स है उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लग रहा, जो एस एच एम की जो इक्वेशन होती है फोर्स की, सो फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है, एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है और ये नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि जो फोर्स है वो जो डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए. ओके तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालते हैं. ठीक है, सो फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो माइनस ऑफ के टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है. ये के जो होता है वो कांस्टेंट होता है और फोर्स का नेचर यही होना चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए. ठीक है, ये एक्स हम अभी डिस्टेंस ले लेते हैं जो कि इसके मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ जो चार्ज होगा अभी जिस पोजिशन पे. ओके सो सबसे पहले हमें रिस्टोरिंग फोर्स निकालना है एंड दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस एफ साइन थीटा. ठीक है, ट्वाइस एफ साइन थीटा, तो एफ हम निकालें सो एफ वुड बी इक्वल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. ठीक है, सो चार्ज है क्यू और माइनस क्यू एंड क्यू अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. सो ये एक्स है और ये डी है तो ये जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ओके सो स्क्वायर ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और इसका स्क्वायर. ठीक है, जिसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ओके सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ठीक है, अब हमें यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी. ओके और साइन थीटा हम यहाँ पर ये जो ट्राइंगल कंसिडर करके इससे निकाल सकते हैं. ओके सो साइन थीटा वुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो परपेंडिकुलर है थीटा की अपोजिट जो साइड होती है परपेंडिकुलर, दैट इज एक्स अपॉन बेस, दैट इज सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. साइन थीटा इज इक्वल्स टू एंड हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ठीक है, सो हमें एफ की वैल्यू पता पड़ गई, साइन थीटा की वैल्यू पता पड़ गई, तो उससे हम रिस्टोरिंग फोर्स निकाल सकते हैं. ओके सो दैट विल बी इक्वल टू टू इंटू एफ की वैल्यू है वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन क्यू इंटू माइनस क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और साइन थीटा की वैल्यू है एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ठीक है, इन दोनों टर्म को हम सॉल्व करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा इन दोनों टर्म्स को एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू. ठीक है, अब यहाँ पर हम ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं, इफ डी इज वेरी वेरी लार्ज देन एक्स देन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू डी स्क्वायर. ओके सो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की जगह मैं आप डी स्क्वायर लिख देता हूँ, डी स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू. ठीक है, इसको हम और सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर डी क्यूब लिख सकते हैं, टू से टू कैंसिल और हमारे पास डी क्यूब आ जाएगा. ओके अब इसे मैं थोड़ा सा और अरेंज कर दूँ तो यहाँ पर मुझे सिंपल हार्मोनिक मोशन से बनने वाली फोर्स की इक्वेशन बनती हुई दिख रही है. ठीक है, सो एफ रिस्टोरिंग वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ टू क्यू कैपिटल क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन डी क्यूब एक्स. ठीक है, ये आ गई है इस सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन के फॉर्म में, एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स. ओके अब फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके सो हम यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा जो इस चार्ज क्यू पे लग रहा है माइनस क्यू पे, दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल एम इनटू एक्सेलरेशन जो कि इसकी एक्सेलरेशन होगी लीनियर. ओके सो एफ रिस्टोरिंग की जगह हम यहाँ पर एम इनटू ए पुट कर देते हैं. सो हमें यहाँ पर मिलेगा हाँ ये, अब यहाँ से मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकता हूँ, मैं इस एम को इसके डिनोमीटर में पहुँचा दूँ तो हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन मिलेगा. और यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन भी जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. ठीक है, और फॉर एस एच एम आप ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. ठीक है, एक्स वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पे हम एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं. ओके फॉर एस एच एम. ओके सो ए की जगह लिख देते हैं हम माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. यहाँ पे ओमेगा जो है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ओके सो इन प्लेस ऑफ ए वी आर राइटिंग माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. अब यहाँ पर पुट करने के बाद कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, जैसे एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, माइनस एंग से कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टू क्यू कैपिटल क्यू बाय एम फोर पाई एप्सिलॉन
डी क्यूब. ओके, अब यहाँ से हम ओमेगा की मदद से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं बिकॉज ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/T और T जो होता है वो होता है टाइम पीरियड. सो ओमेगा की जगह हम यहाँ पर 2π/T पुट करें इन प्लेस ऑफ ओमेगा. सो 2π/T वुड बी इक्वल्स टू 2Q(Q)/m इंटू 4π/εd³. ओके, सो हम टाइम पीरियड निकाल पाएंगे. टाइम पीरियड वुड बी इक्वल टू 1/2π√m(4π)εd³/2Q(Q)। ठीक है, और हम सिमिलरली फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/टाइम पीरियड एंड f इज इक्वल्स टू 2π√m(4π)εd³ f वुड बी इक्वल टू 2π√2Q(Q)/m(4π)εd³. ठीक है, सो इस तरह से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक और सिंपल हार्मोनिक मोशन के कंबाइंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, आपको हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स ढूंढना है सबसे पहले. ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होगा जो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए. ठीक है, और वो हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन पर आने पर चेंज हो जाता है. जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो इस एक्सट्रीम पोजीशन पे वो नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे एक्सट्रीम पे आ जाएगा तो वो ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज होता है किसमें, रिस्टोरिंग फोर्स में. ओके, जो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है वो रिस्टोरिंग फोर्स हम उसे नहीं मान सकते. ठीक है, जो फोर्स हर एक्सट्रीम पोजीशन पे आकर चेंज हो रहा है कम्प्लीटली, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसे हम रिस्टोरिंग फोर्स में लेते हैं. ठीक है, आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल. और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग.